जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन एक बार फिर से इस वीडियो में डिस्कशन होगा एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। शॉर्टकट में इसको एलेस्टोन इंडिया के नाम से भी लोग जानते हैं। दो तीन बड़ी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आजकल काफ़ी बातें हो रही है। पहले वो जान लीजिए, लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं, सुनने को ये मिल रहा है कि ये कंपनी बोनस शेयर्स देने जा रही है। तो क्या ये बात सच है? क्या कंपनी फिर से बोनस देने शेयर देने जा रही है? इसको लेके जो कन्फ्यूजन है या जो सच्चाई है, इस पर बात होगी। दूसरी सबसे जो अच्छी बात है आगे बढ़ने से पहले, वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी है अभी देखेंगे इसमें तकरीबन 5% के आसपास अपर सर्किट लगा है। और एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में मान के चलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर का जिस तरीके से बोलबाला बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्सटाइल की धूम मचने वाली है, उसको लेकर इस प्रकार के जो कंपनी है जो टेक्सटाइल सेक्टर में कामकाज करती हैं, उनमें अपर सर्किट लगना कोई साधारण बात नहीं रही। उसमें अपर सर्किट समय समय पर लगते रहेगा, उससे स्टॉक में तेजी देखने को मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं और समझते हैं एलेस्टोन टेक्सटाइल्स को लेकर जो बातें मार्केट में कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी बोनस शेयर्स देने जा रही है। उसके लिए लेकर चलते हैं हम आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आपको मैं दिखाता हूँ कि एलेस्टोन टेक्सटाइल्स क्या सच में बोनस शेयर्स देने जा रही है। देखिए अभी बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आए हैं, यहाँ पर देखेंगे एलेस्टोन टेक्सटाइल्स कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। एलेस्टोन टेक्सटाइल्स की जो कंपनी अभी एएसएम स्टेज वन में चल रहा है। एएसएम यानी कि सेबी के सर्विस लाइंस मेजर में इस स्टॉक को रखा गया है। अभी इसमें सेबी कुछ जांच परख कर रही है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये कंपनी सच में बोनस शेयर्स देने जा रही है? इसके लिए हम लोग आएंगे कॉरपोरेट एक्शंस पर। देखिए ये रहा कॉरपोरेट एक्शंस, जिसमें पता चलता है कि क्या कंपनी सच में बोनस या स्प्लिट करने जा रही है। तो देखिए अभी लेटेस्ट कोई भी बोनस शेयर्स देने कंपनी नहीं जा रही। लास्ट बार जो 9:1 का बोनस दिया था दिसंबर 2022 में दिया था, और चूंकि अभी दिसंबर चल रहा है तो लोग ये अनुमान लगा के बैठे थे कि दिसंबर 2023 में भी कंपनी एक बार फिर से बोनस शेयर्स देगी, जबकि ऐसा होते हुए अभी नहीं दिख रहा है। अभी कोई अपडेट नहीं है लेटेस्ट बोनस शेयर्स को लेकर। लास्ट बार जो बोनस मिला था दिसंबर में मिला था, फिर आगे जब बोनस शेयर्स मिलेगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में बोनस शेयर्स मिलने जा रहा है। अभी के लिए एलेस्टोन टेक्सटाइल्स कंपनी में कोई भी बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक चीज़ दूर हो गया आपका कन्फ्यूजन। अब चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए काम के बारे में सभी जानते हैं कि ये जो कंपनी है फैब्रिक और जो टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में डिस्कशन करें तो 122 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और लेकिन सबसे जो निगेटिव चीज़ है इस स्टॉक के फंडामेंटल में, वो ये कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है वो माइनस में है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात देखेंगे तो शेयर प्राइस बुक वैल्यू थोड़ा कम है, यह भी थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि कंपनी का जो बोलबाला है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी का डिमांड बढ़ेगा उसका फंडामेंटल आने वाले समय के साथ मजबूत होगा। और जब मैं क्वार्टरली रिजल्ट पर आपको लेकर चलूंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के नतीजे बेहतर हो रहे हैं। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट बेहतर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का फंडामेंटल भी आने वाले समय में बेहतर हो ही जाएगा। अभी चलिए एक साल के चार्ट पर हम आपको दिखाते हैं कि जो आज अपर सर्किट लगा है उसके बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक बढ़ा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब अपर सर्किट लगना कोई पुराने दिनों की बात नहीं है, अपर सर्किट समय समय पर इस स्टॉक में लगते हुए आपको दिखेगा। देखिए ये जो लेवल है ना 1 रुपये का लेवल, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। देखेंगे काफ़ी दिनों के बाद इस स्टॉक का प्राइस अब अपने 1 रुपये के लेवल, जो कि इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँचते हुए आपको दिख रहा है। यानी कि इस स्टॉक में अब मतलब मजबूती आ गया है, और बहुत मजबूती के साथ बहुत जल्द यह स्टॉक 1 रुपये के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। और जैसे 1 रुपये के लेवल को ऊपर निकलेगा, 1.5 रुपये के लेवल पर देखेंगे कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे स्टॉक का प्राइस कम से कम 2-2.5 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा एक बार इसका प्राइस 1 रुपये से ऊपर निकला तो। और बहुत जल्दी 1 रुपये के लेवल को ब्रेक करने जा रहा है, आप इस बात को यकीन मानकर चलिए। क्योंकि अभी देखेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और उस तेजी का भी असर इस स्टॉक पर पड़ेगा। और चूंकि इस स्टॉक में अपर सर्किट चल ही रहा है तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। तो चार्ट के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको बता दी। नए व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब इसका प्राइस 1 रुपये के ऊपर निकलेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, और यदि लंबी अवधि के निवेशक है तब तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके लिए यही कहूँगा कि अभी इसमें बने रहिए। अभी चलिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट से ये पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखेंगे सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ा है। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, इस पर मत जाइए। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, यदि नेट प्रॉफिट की हम बात करें जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा, पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है। और अभी के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाला है उसमें भी देखेंगे ये जो रेवेन्यू हुआ नेट प्रॉफिट 1.47 करोड़ इससे बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आपको पहुंचते हुए दिखेगा बहुत जल्द कंपनी का नेट प्रॉफिट।
तो आपको ये बात तो स्पष्ट हो गया कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत हो रहा है। इसके अलावा यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 10% तकरीबन 11% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। और इस स्टॉक में देखिए अभी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में देखिए थोड़े बहुत FII भी इसमें आ गए हैं, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका भी रुझान इस स्टॉक के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि वो भी टेक्सटाइल के महत्व को समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की नज़र इस स्टॉक पर है तो हम रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो इस स्टॉक को लेने के बारे में जरूर विचार करें। उम्मीद करता हूँ एलेस्टोन टेक्सटाइल्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।